हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ समोसा कैसे बनाते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले रखते हैं आलू उबालने के लिए। इसके अंदर आलू रखे हैं, ये शायद दिख गए होंगे आपको। तो इधर देखो, यहाँ पे उसके बाद मैदा मली जाती है। ये मैदा मली जा रही है। तेल पानी डाल के अजवाइन नमक सब डालते हैं और उसके बाद मैदा को मलते हैं। मलते मलते कैली रहती है, तो अभी दिखाऊंगा आपको। मलने के बाद कैसी हो जाती है। तो ये हमारे छोटे भाई आलू को चेक कर रहे हैं, अभी उबले या नहीं उबले। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू उबल गए हैं और अब आलू को निकाला जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं मैदा भी मली गई है और इसके अलग अलग पीस कर दिए गए हैं। वो काफी टाइट हो गई है जिससे कि समोसे का जो पत्ता होता है वो अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम आलू छोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर रिफाइंड छोड़ दिया गया है, जो कि समोसे की चटनी के लिए, इसमें चटनी फ्राई मतलब छुकेगी ये समझो। तो इसके अंदर डालते हैं हम धनिया। पे आप देख सकते हैं धनिया हो चुका है काला काला भी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारे आलू छुल चुके हैं, इनके ऊपर मिर्ची डाली गई है और आ रहे हैं तड़का। तो देख सकते हैं आप, ये कढ़ाई में डाल दिए गए हैं आलू। ये मसाला डाला जा रहा है, ये एक और मसाला डाला जा रहा है। ये देखो यहाँ पे डाला जा रहा है नमक और अब इसको चलाएंगे अच्छे से। समोसे की चटनी हो चुकी है तैयार, इसको निकाला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चटनी के अंदर से और देखने में कितनी स्पाइसी लग रही है। वाह भाई, खुशबू तो मस्त आ रही है। अब समोसा देखने में कैसा बनेगा इनका। देखा, चटनी तो समोसे तैयार हो चुकी है और यहाँ पे देखो सौंठ भी तैयार हो चुकी है। ये सौंठ है, यहाँ पे देखो समोसे का सारा सामान तैयार है। ये मैदा की जो है लोई काटी जा रही है, छोटी छोटी छोटे छोटे पीस किए जा रहे हैं, इससे कि समोसे का पत्ता बनता है। आपसे बता दो, देखो इसमें पानी है, चटनी है, यहाँ से समोसा, यहाँ पत्ता बनेगा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से समोसा भरा जाएगा, फिर यहाँ रखा जाएगा, यहाँ से फिर सीधा कढ़ाई में। यहाँ पे देख सकते हैं आप पत्ते बेले आ रहे हैं, यहाँ पत्ते तैयार हो चुके हैं, अब समोसा बनाएंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं समोसे कितने ग्राहक आए हैं। ये देखो, क्या लोगे? समोसा। समोसा लेने आए हो सब? आए हो समोसा? चलो अभी भी खिलाएंगे, तैयार हो रहा है समोसा भी। अभी हम इनको उठाते हैं और यहाँ रखते हैं सही जगह। हाँ तो यहाँ पे समोसे छोड़े आ रहे हैं, देख सकते हैं आप कढ़ाई के अंदर समोसे छोड़े आ रहे हैं, होने वाले हैं बस थोड़े टाइम बाद निकल जाएंगे बाहर। देखिए यहाँ पे समोसे तैयार हो चुके हैं। समोसे निकल चुके हैं, यहाँ देखने में लग रहा होगा आपको कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, जो खाने में कितने अच्छे लगेंगे देख सकते हैं आप।
हाँ तो गाइस मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ समोसा कैसा लगता है खाने में। देख सकते हैं आप समोसा रेडी ले लिया मैंने प्लेट में लिया समोसा और मैं रखता हूँ यहाँ पे डोने जो कि एक में ग्रीन है और एक में रेड वाली चटनी आएगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा समोसा पूरी तरह से तैयार है। ये लो भाई समोसा पूरा तैयार हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट खाने के बाद। हाँ तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ समोसे का टेस्ट कैसा बनाया है। चलो मैं खा कर बताता हूँ ग्रीन वाली चटनी के साथ। समोसा एक नंबर बनाया है जैसे कि आप देख रहे हैं। समोसा बहुत टेस्टी बनाया है भाई बहुत मजा आ रहा है खाने में। और मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा अगर आपको कभी भी समोसे का ऑर्डर देना हो तो मैं नंबर डाल दूंगा ठीक है स्क्रीन पे आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो ऑर्डर दे सकते हो ठीक है। समोसा बहुत टेस्टी है एक नंबर। और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए कैसी चाहिए और किस चीज़ को मैं बनाता जैसे लड्डू बर्फी समोसा सेम पकौड़ी आप कुछ भी बता सकते हैं मैगी कुछ भी यहाँ तक कि मैं आपसे बात करूँ तो आप डोसे को बता सकते हैं डोसा किस प्रकार से बनता है। तो मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या बनवाना है आपको क्या देखना है तो मैं वो सब बता सकता हूँ आपको ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं समोसा खा रहा हूँ समोसा हो रहा है बहुत टेस्टी इसके बाद एक और खाऊंगा। आप हमारे पास समोसे का ऑर्डर तो दे ही दे सकते हैं इधर दिखाओ भैया यहाँ देखो ये मतलब लड्डू आपको अगर किसी भी मतलब ऐसे आपके लिए कोई खुशी होती है उसके लिए अगर आपको लड्डू का ऑर्डर देना है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। और कितने ही लड्डू बना सकते हैं बहुत मुसाफिक रेटों पे ठीक है भाई। तो लड्डू की सेवा उपलब्ध है आपके लिए